टेंथ आज हम क्लोर लिए प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी टेंथ क्लास के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए जानते हैं

तो इसके अंदर क्या है सोडियम आयन क्लोराइड आइन पानी उसको तोड़ने में मदद करता है पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन आइन एन आयन है जब हमने ब्राइन सोल्यूशन लेके इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इलेक्ट्रोलिस करा दिया उसका इलेक्ट्रोलिस में क्या होता है हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ठीक है ये बैटरी लगाया बैटरी में दो साइड पे हमने तार जोड़ी एक तरफ हमने उसको कैथोड नाम दिया दूसरी तरफ एनोड कैथोड कौन सा होता है जो अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों है लेकिन कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बैटरी उधर इलेक्ट्रॉन भेज रही है ऑन अदर हैंड एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज इधर जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वो बैटरी को वो भेज देता है अपने नेगेटिव चार्ज को दूर भेज रहा है इसलिए वो एनोड क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना तो इनके अंदर क्या होता है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या है कंपटीशन कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव है दोनों कैथोड पे जाना चाहते हैं लेकिन ये जंग हाइड्रोजन जीतता है क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा एफिनिटी कैरी करता है इलेक्ट्रॉन को लेने की हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेता है कैसे दो हाइड्रोजन आयन गए दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया ठीक है दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन गैस बन गया अब हुआ, क्लोराइड में और जब क्लोरीन जीतता है क्लोरीन मुझे दो लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि, क्लोरीन पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन पड़ेगा, एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है दो पे दो नेगेटिव मुझे इन दोनों नेगेटिव चार्ज को दूर भगाना था क्लोरीन बन गया दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और वो इलेक्ट्रॉन उसने बैटरी को तरफ भेज दिए तो इसके अंदर मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है क्लोरीन वो कहाँ पे मिला एनोड के ऊपर हाइड्रोजन कहाँ पे मिला कैथोड के ऊपर अब इसमें क्या बच गया सोडियम और ओएच ये यहाँ पे बच जाता है हम नियर कैथोड से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ये मिलता है नियर कैथोड काफी इंपॉर्टेंट था आई होप इट हेल्प्स सी यू नेक्स्ट टाइम